अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक ऑन गुड वाइब्स विद सिंग्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारा नया व्लॉग आ रहा है जिसमें हम आपको बताएंगे अब नीरा के साथ हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। नीरा कुवैत में आ चुकी है तो अब घर का कुछ छोटा मोटा कुछ सामान लेना है, कुछ खाना पीने का और क्रॉकरी आइटम्स लेना है। तो अब जा रहे हम नज़दीकी तो फाइल मार्केट है जाएंगे। उससे पहले नीरा के भाई को, उसके चाचा का बेटा इधर जो रहता है उसे मिलेंगे, फिर आगे जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। हम घर से निकलने के बाद सबसे पहले गए निदा के भाई को मिलने, जो कि हमारे घर से उसके घर का उनके घर का रास्ता 10 मिनट्स पे ही है। और उसके बाद फिर हम आगे चले गए। तो हम अब पहुंच चुके हैं लुल्लू हाइपर मार्केट। लुल्लू हाइपर मार्केट के बाजू में ग्रैंड हाइपर भी है, लेकिन हम लोग लुल्लू हाइपर मार्केट को ही प्रेफर करते हैं। और देखते हैं अब अंदर जाते हैं क्या लेना है, क्या घर का सामान लेना है, कुछ आपको भी बताएंगे लुल्लू हाइपर मार्केट के बारे में, जो कि कुवैत में फाहिल एरिया में लोकेटेड है। और हमारी ये फर्स्ट शॉपिंग है कुवैत में। शॉपिंग नहीं बोलेंगे, घर का ही सामान लेना है, क्योंकि अभी नई शुरुआत है, नहीं नया सब कुछ किचन सेटअप करना है और डेली का भी रहता है कुछ सामान खाने पीने का लेना है। तो अब हम दोनों जाते हैं लुल्लू में अंदर और आपको हम क्या लेते हैं क्या लेंगे आपसे भी शेयर करेंगे, आप भी देखना। और इधर लुल्लू हाइपर मार्केट जो कि फाहिल कुवैत में है, आप भी विज़िट करना वहाँ। फाहिल में जो लुल्लू हाइपर मार्केट है उसकी लॉबी कुछ इस तरह सी है। इसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, ग्लास एंट्रेंस डोर है और बहुत ही अच्छी एंट्रेंस बनाई हुई है फाइल के लुल्लू हाइपर मार्केट की। ये डिफरेंट टाइप्स के मैंगोज आए हुए हैं लुल्लू में, बादामी मैंगो, ये भी जो इंडिया का है मैंगो तोतापुरी। प्राइस भी इंडियन प्राइस कंपैरिजन करेंगे तो आप कुछ खा नहीं सकते इधर, ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टेशन और वेजेस सब कुछ इंक्लूड होके रहता है कस्टम्स, तो प्राइस कंपेयर नहीं कीजिए प्लीज़। अल्फांसो मैंगो है ये इंडिया का, जो कि 1995 में है, अभी तक पका हुआ नहीं, कैरी है, ये पियर्स है। और इधर के जो ऑरेंजेस, मौसम्बी जो बोलते हैं, ऑरेंजेस नहीं मौसम्बी, बहुत स्वीट होते हैं, जो अबूसूरा जो होता है वो तो बहुत ही स्वीट होता है। उसके बाद अपने आप इसको जो होपनीस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको पोमिलोन बोलते हैं, पोमिलो। और ये जो कि छोटी संतरा है बड़ी अच्छे, और ये इंडिया का गोल्ड जो कि 10 रुपये में मिल रहा है, और इधर ऑलमोस्ट 120-125 रुपीज़ के जी है। इंडिया में 300 रुपीज़ के जी, वो भी छोटे, और ये सब बड़े बड़े लेमन्स हैं। और इधर का जो लुल्लू में जो फ्रूट मिलता है वो बहुत ही फ्रेश होता है, फ्रेश फ्रूट होता है, फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी लो आप फ्रेश रहता है। एप्पल्स भी तो डिफरेंट टाइप के एप्पल्स हैं, एक बोतल में भी आते हैं छोटे छोटे एप्पल्स, बहुत अच्छे एप्पल्स हैं इधर। हमने अब लिया है स्वीट मेलोन, जो कि इधर शमाम बोलते हैं अरबी में से, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही स्वीट है, हो सकता है बहुत ही कुछ भी खुशबू अच्छी आ रही है उसके अंदर। और अब हम वो लेने के बाद जा रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल्स लेने, जो लिक्विड वेजिटेबल्स होता है। हम ले रहे हैं लिक्विड वेजिटेबल्स, क्योंकि बहुत कुवैत में जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स मिलता है बहुत ही फ्रेश होता है, लेकिन मैडम को कुछ पसंद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, तो देखते हैं। तो थोड़ा इंडिया में और कुवैत के इसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। एक्साइटेड है लुल्लू आके, फर्स्ट टाइम आए ना लाइफ में लुल्लू? नहीं, सऊदी में तो गए थे। सऊदी में गए थे ना, तो सऊदी और कुवैत में क्या डिफरेंस है?
अभी पता नहीं, अभी तो न्यूग्राम स्टोरी देखेगा कि देखते हो ऊपर क्या डिफरेंस है। अब फ्रूट और वेजिटेबल्स लेने के बाद हम लोग दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं जहाँ कुछ खाने की चीज़ जैसे फ्रीज फ्रोजन आइटम्स होते हैं वो देखने जा रहे हैं। उधर से कुछ लेना होगा तो फ्रोजन आइटम्स में से भी लेंगे, जैसे टंडर चिकन नगेट्स या कुछ समोसे। अपन को हाँ क्या चाहिए आपको? मुझे घर में पहनने के लिए स्लीपर्स या चप्पल जो भी है वो चाहिए। और भी बहुत कुछ चाहिए मेरे को लेना। जैसे देखो अपने को समोसे की स्ट्रिप्स चाहिए पट्टी तो वो देखिए, इसमें से कुछ चाहिए तुम्हारे को ओलिव या कुछ? नहीं मेरे को बोल देने का जिपन लेपना लपना ज़्यादातर और लपना। अपने को समोसे की पट्टी चाहिए वो भी ले लो, ये भी ले लो अपना क्या बोलते हैं मोस्टली, या तो फिर क्या ओट्स। हाँ ओट्स तो भी लेना है अपने तो, सबसे पहले समोसे की पट्टी लेते हैं यहाँ से। हाँ बोल। स्ट्रॉबेरी लेमन। हाँ तुम्हारा स्ट्रॉबेरी लेमन चाहिए ना, स्ट्रॉबेरी लेमन आगे होगा उधर। इधर अभी फिलहाल जूस सेक्शन में आए, जूस सेक्शन के बाद मैडम को पसंद है स्ट्रॉबेरी का लबन, तो स्ट्रॉबेरी का लबन अब ढूंढ रहे हैं किधर है, जो अलमराई का मैडम को अलमराई का। इधर आओ इधर आओ, इधर होगा कहीं, इधर और इधर है, इधर आओ। ये लबन मैडम बहुत एडिक्टेड है लबन की, वो भी अलमराई के स्ट्रॉबेरी की फलोरा फरोला। बड़ा लो, आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा लो। नहीं छोटे छोटे एक कैरेट ले लो, वो ऊपर ऊपर वाला लो, ऊपर वाला मिक्स वाला चाहिए। मिक्स नहीं आएगा, अपने को चाहे तो मिक्स कर देना। टेस्ट किया है मैंगो वाला? टेस्ट किया है सब चेंज मेरे को, हम लोग प्लेन और स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी तो मैंने बताई थी। हाँ तो ले लो ले लो, जो चाहिए वो ले लो। दीदी को भी मम्मी को भी बहुत पसंद है, लोग मिस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा वो ले लो, कौन सा? ये वाला ले लो, लेकिन फ्रिज में रखने जगह है? नहीं ये वाला ही ले लो, ठीक है। ठीक, वो तो बकाले में अपने नीचे भी मिलता है उधर। और मैंने लिया हुआ अलमराई का पोमोग्रेनेट जो कि 100% जूसी होता है, नथिंग इवन वाटर भी नहीं देता है उसमें, 100% पोमोग्रेनेट से बना होता है अलमराई का, बहुत ही टेस्टी होता है और ओरिजिनल टेस्ट आता है। हालांकि ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल है, तो आप एक टाइम से पी के देख लेना, आपको बहुत पसंद है अलमराई का वाटर। फिलहाल अभी मुझे प्यास लगी है तो मैंने लिया हुआ बीटरूट का नादा का जूस, और ये थोड़ी शुगर एडिड है, और इसका फिलहाल मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ, कैसा है इसका रिव्यू मैं आपको बताऊँगा पीने के बाद। फाहिल के लुल्लू में काफ़ी बड़ा बेकरी आइटम्स का भी सेक्शन है जो कि आपको सब कुछ मिलेगा, स्वीट्स इंडियन स्वीट्स भी है, जलेबी और बहुत कुछ है, कुनाफा भी है, कुनाफा तो इंडियन नहीं है, फिर बाद में पेस्ट्रीज है, पेस्ट्रीज में भी काफ़ी पेस्ट्रीज बहुत अच्छे पेस्ट्रीज है, फिर डोनट्स है और किटकैट डोनट जेम्स M&M के डोनट्स है, फिर चीज़ केक है और फताइर्स भी है पिज़्ज़ा, और उसके बाद आता है हॉट फूड्स। हॉट फूड्स में भी आपको चिकन मिलेगी, क्रिस्पी चिकन मिलेगी जो कि फ्रेश होता है और यू कैन और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, तो देखिए आप ट्राई करना कुछ ना कुछ ज़रूर ये हॉट फूड में से। फिर हमने चीज़ लिया, चीज़ के बाद आए हैं पीस लेने, मैडम को चाहिए पीस मटर क्योंकि फ्राइडे को कुछ बनाना है, हमें ट्राई करना है मैडम को कुछ फ्राइडे न्यू रेसिपी, तो आपको फ्राइडे के दिन हमारी मैडम की पुलाव की रेसिपी भी आपको बनाने वाले पुलाव, तो उसकी रेसिपी हम आपको बताएंगे। सो मैडम आप देंगे ना रेसिपी? फिर हम जा रहे हैं डाउन सेक्शन लुल्लू के, जहाँ पे वो भी फूड आइटम्स ही है ऑलमोस्ट, देखिए चॉकलेट्स और वो मिलता है। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप? आपका फर्स्ट शॉपिंग विजिट है, फर्स्ट टाइम कुवैत में? फिलहाल तो कुछ होगा नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ खास नहीं है जैसे सऊदी में, वैसे यहाँ पे भी सेम कुछ का फ़र्क नहीं है, शायद थोड़ा सा
डिफरेंट है? नहीं, थोड़ा भी नहीं है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम ही है। तुमको टूना पसंद है? खाते है टूना? मैं तो नहीं खाता हूँ, अब्बा कभी कभार खाते हैं। लेना है छोड़ो, बाद में ले लो चाहे तो। ये सब जो टीम है क्या सॉस? हाँ तो सॉस नहीं, सूप। तो सूप के सैसे ले रहे तो ले लो, लेकिन वेजिटेबल लेना है, वेजिटेबल और थिक वाला नहीं लेना, कन्नौर का ले लेना, कन्नौर का कन्नौर क्या कन्नौर नॉर 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 इसमें हॉट एंड सॉ भी आता है, टोमेटो आता है। हाँ वेजिटेबल ले लो, जिस दिन अब्बा ने भी बनाए थे वेजिटेबल, अब्बा सूप बहुत पहले। क्रीमी नहीं लेना, लेकिन प्लेन ले लो, क्रीमी में नहीं मज़ा आता। चलो पहले यही ले लो। हाँ एक ले लो, चलो उसके बाद आगे जाते हैं। मैगी क्यूब्स नहीं है शायद, मैगी क्यूब्स ले लो। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे लुल्लू में? क्या बोली थी? मुझे ऑरेगानो चाहिए। लुल्लू आइटम, लुल्लू के आइटम्स क्या रहते हैं? अच्छे होते हैं, फ्रेश होती है। फ्रेश तो होते हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर लुल्लू और मेस्ट्रो ही चलते हैं। फिर एक्सप्रेस तो नहीं शायद, मालूम नहीं। आ जाओ, ऑरेगानो को शायद इधर मिलेगा। ये पिकल्स, पिकल्स में तो बहुत है, अब तो इंडिया से लाए अपन ने तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं। क्या चाहे? जूसेस तो ये पर पैक्स है, इधर फिलहाल देखिए कैसे पैक जूस होते हैं, बड़े बड़े पैक होते हैं। अभी फ़िलहाल गर्मी का टाइम है तो बहुत सारे जूस आए हुए हैं, और ये एक टैंक है, ग्रीन टी भी है, लेमन की आइस टी है, ग्रीन टी है, पूरा पैक्स होता है। और पब्लिक इधर पानी बिस्लेरी, जो पैक वाटर होता है अपने पे बिस्लेरी होता है, वैसे इधर एक्वाफीना है, तो पब्लिक एक्वाफीना ही, एक्वाफीना आर वाइस जो जो कंपनीज है उनके जो पैक है वही पीना प्रीफर करते हैं। ओके इधर आओ, इधर आओ, वो आइकिया में देखेंगे अपने जो टेबल्स हैं। नहीं वो स्टूल है, वॉशरूम का बाद में देखेंगे, वो आइकिया में दिखेगा, मिलेगा तो जग भी आइकिया से लेंगे। हाँ जग भी आइकिया से लेंगे। ये बखूरदानी देखो अच्छी है क्या? नहीं बखूरदानी नहीं, बाद में लाएंगे। ये जूस बना के रखने के लिए, इसके अंदर गर्मी में बहुत काम आता है। ये कितने का है? 1000। ये देखो ये ग्लास का जार है, 1 KD का, ये 1 KD का ग्लास का जार है। चाहिए वो जार पानी उठने का? तो प्लास्टिक में उधर मिलेगा आइकिया में, प्लास्टिक नहीं कांच का ही, ट्रांसपेरेंट प्लेन, वो आइकिया में मिलेगा। ये देखो ये, ये देखो ये भी अच्छा है। अपने जैसा ऐसे कितने का ये? ये अपना जो था यही तो कंपनी का था। इसका प्राइस, इसका प्राइस देखो, इसके ऊपर मैं 450 का लेती हूँ, 450 का दूसरा भी है, आपको वो चाहिए तो वो पसंद है तो वो ले लो। एक ले लेते, एक चाहिए तो बाद में लेंगे, हॉल के लिए। ये हॉल के लिए लिए ना? हाँ। ये हॉल के लिए लो, रूम में क्या बॉटल रख सकते रात को, तो एक टाइम कभी पीना है। नहीं जो बखूर का निकले, मैं सिटी से लूँगा बखूर का। देखो ये सब, आई लाइक दिस टू मच फॉर कॉफ़ी टी रेडीमेड। उसके बाद
देखो नॉन स्टिक, नॉन स्टिक का शेफ लाइन का। हाँ हाँ तो वो देखेंगे, देखो एयर फ्रेशनर चाहिए और हैंड वॉश। सो उसके बाद ग्लास जा लेने के बाद आए हैं, एयर फ्रेशनर लेना है हमें कुछ, क्योंकि लगता है वो कभी कभार तो उसमें लगता है तो ज़रूरी है, तो वो लेने के लिए आए हैं इधर। अब देखते हैं वो लेते हैं। फिर अब देख रहे हैं हम कुछ क्रॉकरी आइटम्स। हाँ सब में पड़ गए वो, ये उठाने के लिए डेक्चा उठाने का जो पकड़ जैसा आता है, टोंग जैसा, वो ढूंढ रहे हैं। कहीं दिख रहा नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगा। नहीं ये वाला नहीं, मैं को भी नहीं जानता वो तो देखो होगा इधर ही होगा कहीं ना कहीं। हाँ ले लो एक। फिर हमने ये लिया बक्कप, बदन उठाने का जो पकड़ होता है। काफ़ी देर जो नॉन स्टिक के जो सेट है शेफ लाइन के, बहुत अच्छे सेट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं प्यारे। और देखते हैं वो भी लेना है फिर कब, बाद में लेंगे, अभी तो नहीं, बाद में थोड़े दिन के बाद वो ले लेंगे। मैडम तो ऐसा आगे जा रही है जैसा मैडम को इधर का सब कुछ मालूम है। साथ में चलो ना, तुम रुक आगे आगे चलते जा रहे, जैसा तुमको इधर का सब मालूम है ना। आए थे कभी इधर पहले कुवैत में? क्रॉकरी आइटम्स के बाद अब आए हम जो बेडशीट मैट्रेस सेक्शन होता है उधर, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ लेना नहीं है, अभी सब कुछ अवेलेबल है घर पे, तो अब वो नहीं ले रहे हम, देखते हैं क्या लेना होता है। देखो मैं ये वाली प्रेस बोल रहा हूँ, ये वाली प्रेस, ये ना, हाँ ये सबसे अच्छी रहती है। हाँ लेकिन नेशनल की लेंगे, ये वाली नहीं, आदमी कम लेते हैं। ये देखो ये कितना अच्छा, लेकिन महंगा है। चलो ना ये बहुत अच्छा, ये हैवी में का है ब्लाइंडर, ब्लाइंडर ग्राइंडर क्या बोलते हैं उसको, क्या मतलब। और उसके बाद ये छोटा सा माइक्रोवेव, बहुत ही प्यारा लग रहा है कोन का ब्रेकफास्ट मशीन, कुछ बेक करने के लिए बहुत ही छोटा सा है कोन। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेडशीट आइटम्स के बाद आए हैं हम इधर, डेली यूज़ का जो सामान जैसे ब्रशेस साबुन वो लेने के लिए। और मैडम देख रही है उनको चाहिए ब्रश। सेंसोडाइन सदा रहे चमकते आपके दांत। अरे वो पीछे जो दांत इसने खाया, सब इस पे होता है, सबके पीछे रहता है, सबके पीछे होता है अभी आजकल, नहीं है देखो ना, टंग घसने का, टंग साफ करने का। चलो आगे देखो, आगे देखो, चलो आगे और है, देखो उस तरफ भी है ब्रशेस कोलगेट के, तो आप देख सकते हैं। निडा को चाहिए था कोई मॉइस्चराइजर क्रीम, क्योंकि उसकी स्किन इधर थोड़ी रफ हो रही है गर्मी में, हालांकि गर्मी इतनी चालू नहीं हुई है। क्लाइंट अच्छा तो मैंने लिया है 21 क्रीम बॉडी लोशन, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब क्या चाहिए तुमको? हनी। तो चलो हनी ओट्स पीनट बटर हो गया अपना। इलेक्ट्रॉनिक्स और लोशन जो सेक्शन बॉडी वेल सेक्शन होता है, उसके बाद अब आए हम डिटर्जेंट सेक्शन, जो कि हमें लेना है एयर फ्रेशनर और भी कुछ लेना है हैंड वॉश। सो अब उसे हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है कुछ। आजकल अपन बॉडी के शैम्पूज देखते थे,
सर के शैम्पू, बॉडी के शैम्पू, और अब आते हैं अबाया के शैम्पू भी आते हैं। देखिए अबाया का शैम्पू जो कि सिर्फ अबाया वॉश करने ही यूज़ करते हैं, अच्छा रहता है। देखो अबाया शैम्पू, हैंड शैम्पू, सॉरी बॉडी लोशन, बॉडी शैम्पू हो गया, हेयर शैम्पू का अबाया का भी शैम्पू आने लग गया। क्या क्या आएगा लड़की लोग का, फिर भी दिलों का दिल नहीं भरेगा। अच्छा। लड़की लोग का और स्टेन निकालने का, कपड़े का, कपड़े का कुछ रहेगा तो क्यों अपना दाग लगाए वो निकल देगा इससे शायद, देखो लेके ट्राई करो, निकलता है तो निकलेगा। कौन सा वाला लिए, कपड़े का लिए ये क्या, हाँ ये कपड़े का है, रस्ट एंड डिओडोरेंट, टी जूस का गिरा हुआ निकलेगा, वो जंग निकलेगा उससे, जंग और डिओडोरेंट के जो डार्क्स होते हैं ना वो निकलेगा। हाँ। बाकी और कुछ नहीं निकलेगा, एक करी एंड कुकिंग ऑयल्स के ये निकलेगा, ये है ऑयल लगा है तो इससे इससे हाँ, निकलेगा। तो वो अचार लगा है ना, वो मैंने अचार ही लगाया घुस के निकाल दी, घस के, हाँ घुस के, घस के, तो ये ले, ओ स्लिप ऑफ टंग, ओके ओके मैडम इंग्लिश भी बोलना सीख गई कुछ दिनों में, कुवैत में आते साथ में आती है बोलने मालूम है। हैंड वॉश देखना है ना, तो देखो हैंड वॉश इधर आ जाओ, ये है डिटॉल का हैंड वॉश, तो आप यहाँ से ले सकते हैं डिटॉल का हैंड वॉश, डिटॉल का हैंड वॉश है, देखो इधर हैंड वॉश ही है ना, हाँ हैंड वॉश है डिटॉल का, और भी होगा कोई भी, डिटॉल का ले लो, डिटॉल का अच्छा होता है, मेरे को दो ही चाहिए ना, हाँ ले लो डिटॉल का अच्छा है, सस्ता भी है, ग्रीन वाला लो ना, ग्रीन वाला ओरिजिनल होता है। हमने लिए है डिटॉल का हैंड वॉश भी क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है हैंड वॉश आज के तारीख में यूज़ करना, तो अब हैंड वॉश लेके थोड़ा मैडम को कुछ शैम्पू लेना है उनके लिए, तो वो देख रहे, ये भी था हैंड वॉश, वो चाहिए वो वाला ले लो, वो तीन आएंगे ले रहे, ये वाला ले लो हैंड वॉश, 990 ये भी सेम है, तो डिटॉल का रख लो और ये ले लो लुल्लू वाला, ओके फिर हमने वो डिटॉल का रख के लुल्लू का जो लुल्लू की पैकिंग वाला जो हैंड वॉश है वो ले लिया। हाँ देखो कौन सा शैम्पू चाहिए ले, शैम्पू कंडीशनर अभी से यूज़ करें क्योंकि इधर का वाटर थोड़ा हार्ड होता है, तो उससे पहले ही पहले से प्रोटेक्शन करेंगे तो इतना हेयर पे इफेक्ट नहीं आता है। शैम्पू लेने के बाद अब हम ले रहे हैं ओट्स और हनी, हनी तो ले लिए, अब ओट ले रहे हैं ओट्स क्योंकि हमें शेक पीना है मॉर्निंग में, सुबह में ओट्स लिए, अब वो चॉकलेट्स देख के निकलते चल, नहीं है मसाला ओट्स नहीं है शायद, मसाला ओट्स नहीं है वो प्रोटीन बार्स है। ओट्स ले लिए और हनी ले लिए, अब जा रहे हैं हम चॉकलेट्स लेने, हमें कुछ चॉकलेट्स देखने, तो चॉकलेट्स लेके फिर हम जाएंगे घर पे। हाँ मुझे बिस्किट लेना है, वो वाला नाम भूलने हो गया, देखो पैकेट तो उधर है सामने, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा, लोटस, लोटस का बिस्किट बहुत ही अच्छा लगता है, लोटस के बिस्किट, तो वो वाला एक पैकेट ले लो, ये जो प्लास्टिक में है ना, ये लोटस का ये वाला बिस्किट ले लो प्लास्टिक में, जो कि लोटस का बिस्किट बहुत ही अच्छा लगता है, और सिर्फ आप बचा है चॉकलेट, तो आप चॉकलेट लेके निकल जाएंगे, आ जाओ लेके आओ, हाँ लो एक्लेयर, एक्लेयर लेता हूँ, और एक्लेयर के बाद भुजिया भुजिया, तो तुमको केले चिप्स चाहिए था ना, अभी मत, अभी फिलहाल जो है वो ख़त्म करो, और वो चाहिए और कौन सा वो फेरेरो रोशर, नहीं अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अभी नहीं,
बाद में। स्टारबक्स स्टारबक्स की कॉफी है। चलो जाते हैं। सो फाइनली वी हैव डन दिस शॉपिंग, हो गई हमारी शॉपिंग। जो जैसे जो लेना था हम लोग को, हमारे अर्जेंट जो चाहिए था फिलहाल, वो आइटम्स ले लिए हैं। तो हम हमारे इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आई नहीं भी आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट भी करना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, सबको प्यार बांटना और सबके साथ में अच्छे से रहना। तो चलिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।